फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया कुकिंग क्लासेस। माय नेम इज रोहिणी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल और चॉकलेट घनाश। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। घनाश और ट्रफल बनाने के लिए हमें ये दो चीज़ें लगने वाली है। मार्केट में ऐसे चॉकलेट कंपाउंड्स मिलते हैं, उसमें से मैंने ये लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड, और हमें लगने वाली है फ्रेश क्रीम। यहाँ पे ये मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है। ट्रफल और घनाश हम तीन तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट डबल बॉइलिंग मेथड से बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में दो ग्लास पानी डाल के गैस के ऊपर उबलने के लिए रखा है। पानी को अच्छे से उबल आ गया है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक बाउल रखा है। बाउल के अंदर मैंने डाला है चॉप करके चॉकलेट। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम डार्क चॉकलेट कंपाउंड बारीक चॉप करके लिया है। इसे एक मिनट तक ऐसे ही मिक्स करना है। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को बंद करना है और कंटिन्यू हमें इस चॉकलेट को मिक्स करते रहना है। ये मैं थिक घनाश बना रही हूँ। थिक घनाश के लिए रेशो रहेगा 2:1, मतलब दो पार्ट चॉकलेट और 1 पार्ट क्रीम। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम अगर आपने फ्रिज में रखा है तो उसे फ्रिज से निकाल कर तुरंत ठंडा नहीं यूज करना है, और यूज करने से पहले फ्रेश क्रीम के बॉक्स को अच्छे से शेक करना है, क्योंकि बहुत बार थिक क्रीम जो है बॉक्स के नीचे बैठती है। यहाँ पे मैंने अमूल फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। फ्रेश क्रीम और चॉकलेट को अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे ये मैं थिक घनाश बना रही हूँ। इसका यूज़ हम केक के लेयरिंग में या केक के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा घनाश रेडी है। आप देख सकते हो इसे कितनी मस्त शाइन आई है। इसी सेम मेथड से आप चॉकलेट ट्रफल भी बना सकते हो। चॉकलेट ट्रफल और चॉकलेट घनाश आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हो। माइक्रोवेव में आपको चॉकलेट को 30-30 सेकेंड ऐसे चॉकलेट मेल्ट होने तक 2-3 बार रखना है। अगर आपने माइक्रोवेव में कंटिन्यू चॉकलेट को 1-1.5 मिनट रख दिया तो चॉकलेट जल जाएगा। इस घनाश को आप 3-4 घंटे रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो भी ये अच्छे से सेट हो जाएगा। उसके बाद आप उसे लेयरिंग या डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब हम बनाएंगे चॉकलेट ट्रफल। उसके लिए क्रीम और चॉकलेट का रेशो रहेगा 1:1, मतलब जितना क्रीम लोगे उतना ही आपको चॉकलेट लेना है। यहाँ पे मैंने चॉकलेट कंपाउंड चॉप करके लिया है 150 ग्राम और 150 ग्राम रूम टेम्परेचर वाला अमूल फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम को हमें हैवी बॉटम के एक पैन में लेना है और छोटा सा एक उबाल आने तक हमें इसे कंटिन्यू मिक्स करना है। इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहिए, क्योंकि क्रीम नीचे से जलने के बहुत चांसेस होते हैं। अब इस क्रीम को एक बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसे मैं गैस से नीचे उतारती हूँ। अब इस गरम क्रीम के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ चॉकलेट। अब चॉकलेट और क्रीम को अच्छे से मिक्स करना है। जिस डबल बॉयलर मेथड से मैंने चॉकलेट घनाश बना के दिखाया, वैसे भी आप चॉकलेट ट्रफल बना सकते हो। इसके ऊपर 2 मिनट के लिए ढक्कन रखना है। अब 2 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हो चॉकलेट पूरी तरह मेल्ट हो गया है। इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करना है। इस चॉकलेट ट्रफल को अच्छा डार्क कलर भी आया है। आपको अगर और डार्क कलर चाहिए तो आप इसमें ब्लैक जेल कलर ऐड कर सकते हो। चॉकलेट ट्रफल को केक के ऊपर पोर करना होता है तो हमें ये स्मूथ चाहिए, इसलिए हम इसे एक बार छानेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा देखिए, इसमें आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। चॉकलेट घनाश, चॉकलेट ट्रफल का आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। चॉकलेट ट्रफल को मैंने छान के रेडी किया है। आप देख सकते हो इसे कितना स्मूथ टेक्सचर आया है। जब भी आपको चॉकलेट ट्रफल केक के ऊपर पोर करना है, तब आपको इसके अंदर ऐड करना है न्यूट्रल जेल। ये मेरे पास चॉकलेट न्यूट्रल जेल है, ये मार्केट में इजी अवेलेबल है। ये 150 ग्राम चॉकलेट और 150 ग्राम क्रीम है। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून चॉकलेट न्यूट्रल जेल। चॉकलेट न्यूट्रल जेल कंपलसरी नहीं है, आपके पास अगर प्लेन न्यूट्रल जेल है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। पाइपिंग जेल, न्यूट्रल जेल, ग्लेज जेल, ये सेम ही है, सिर्फ केक जेल अलग होता है। दोनों में से जो भी अवेलेबल है वो आप ऐड कर सकते हो। न्यूट्रल जेल ऐड करने से चॉकलेट ट्रफल में अच्छा ग्लेज आता है, अच्छी शाइन आती है। न्यूट्रल जेल आपको जब आप ट्रफल यूज करोगे केक के लिए तभी ऐड करना है। आपने अगर चॉकलेट ट्रफल पहले से ही बना के रखा हुआ है, ये थोड़ा थिक हो गया है, तो आप इसे 30 सेकेंड माइक्रोवेव कीजिए या फिर गैस पे थोड़ा सा गर्म कीजिए। उसके बाद उसमें न्यूट्रल जेल ऐड कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए और केक के ऊपर पोर कीजिए।
ठीक हो गया है तो गर्म करने के बाद ये फिर से फ्लोई कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। इसमें अलग से व्हीप क्रीम या मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रेडी है घनाश। घनाश को बनाने के बाद 2-3 घंटे रूम टेम्परेचर पर ही रखने के बाद ये सेट होता है। आपको अगर जल्दी है तो इसे कवर करके आप फ्रिज में भी 1 घंटा सेट कर सकते हो। घनाश को हम 3 से 4 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और घनाश को आप एयर टाइट कंटेनर में रख के 1 महीने तक फ्रीजर में भी स्टोर कर सकते हो। अगर आपको व्हाइट चॉकलेट घनाश बनाना है तो उसके लिए अगर आपने 500 ग्राम व्हाइट चॉकलेट लिया है तो उसके लिए आपको 160 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है। इसे आप केक को लेयरिंग करते समय व्हिप क्रीम के अंदर डाल के भी यूज़ कर सकते हो। केक को इसे पूरा लेयर भी कर सकते हो या फिर आप इसे केक के ऊपर डिज़ाइन भी बना सकते हो। चॉकलेट ट्रफल को हम सिर्फ 3 से 4 दिन तक ही फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये चॉकलेट घनाश चॉकलेट ट्रफल ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।